प्रभात बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 3 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग आगे का पार्ट 4 आरंभ करेंगे। पार्ट 4 है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक उस देश के ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे उस राष्ट्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती है। हमारे देश के भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं। ठीक है, पहला देखो, राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह क्या है। ये देखो, ये चारों तरफ शेर के मुख वाला स्तंभ, इसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं ना। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर अशोक स्तंभ है जिसमें चार सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने शांति का अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यह प्रतीक बताता है कि हम देश की शांति और सद्भावना के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के चारों सिंहों में से एक दिखाई नहीं देता, ये शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक हैं। ठीक है, अब देखो आगे, राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होता है ना, जैसे तिरंगा बोलते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। राष्ट्रीय ध्वज ये है हमारा तिरंगा झंडा। इसमें 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरी हरी पट्टी होती है, इसलिए ये तिरंगा भी कहलाता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में होती है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है। इस चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं जिन्हें प्रगति का सूचक माना जाता है। यह आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय झंडे के इस रूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत को बहुत अधिक गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा तो सबके मुख पर रटा हुआ था। ये गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में लिखा गया। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। इसके हिंदी रूपांतर को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। इसकी अपनी विशेष धुन है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान हमारे देश का गौरवगान है जिसे राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर गाया जाता है। इसका गान आदरपूर्वक खड़े होकर करना चाहिए। जहाँ पर भी राष्ट्रीय गान बजे वहाँ पर हमें अटेंशन की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाना चाहिए आदर के साथ, है ना। देखो ये राष्ट्रीय गान पूरा लिखा हुआ है ना। राष्ट्रीय मुद्रा देखो, ये भारतीय रुपये का यह प्रतीक भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। यह हिंदी अक्षर र और अंग्रेजी अक्षर र आर के समागम से बनाया गया है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को रुपये के इस प्रतीक को अपनाया। इसे IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु वनराज बाघ व्याघ्र भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका आकर्षक रंग, विचित्र आकृति और शक्ति इसे आदर का पात्र बनाए हुए है। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो जाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। आज के समय में इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच में सरकार ने इसकी रक्षा के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया था। राष्ट्रीय पक्षी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर की सुंदरता विशेष होती है। इसकी गर्दन और छाती नीली, पूंछ लंबी और पंख रंग बिरंगे होते हैं, जिस कारण ये अत्यंत आकर्षक प्रतीत होता है। नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने नृत्य करता है, तब वो दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। मोर को बारिश में नाचना बहुत पसंद है। राष्ट्रीय खेल। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि गुजरे जमाने की बात हो गई। अब तो भारत को इस खेल में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका पार्ट है, इसको आप लोग एक बार फिर से रीडिंग लगाएंगे और अपनी कॉपी पे पार्ट 4 लिख करके, पार्ट का नाम लिख करके ये सारे शब्द अर्थों को कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर को और इसके अभ्यास को करेंगे। तब तक के लिए बाय।